Hello everyone I am Jitendra Kumar Sharma your mess teacher today we will start our new chapter that is our chapter number 4 of class 4 the chapter name is Addition and subtraction of numbers. Dear student, what is the addition? What is the subtraction? In short, in previous class, it means in class 3 we will learn about the basic knowledge of subtraction, addition. Addition is the process through which we can arrange numbers together. In short, we can say we find the sum of numbers. Different, different types of numbers are find sum. So in short, we call that is our addition procedure. And what is the subtraction? Subtraction means subtraction is the way through which we can सब ट्रैक और माइनस एनी नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर यानी कि हमारा अमाउंट है उसमें से सम ऑफ नंबर को हम लेस कर देते हैं एंड रिमेनिंग अमाउंट को हम फाइंड कर लेते हैं दैट वॉज अवर सब्ट्रैक्शन सो इन दिस चैप्टर हम क्या करेंगे एडिशन एंड सब्टन की जो बेसिक नॉलेज है उसको एडवांस की मूव कराएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर पार्ट नंबर वन एंड इन दिस पार्ट वी विल स्टार्ट विद द सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर सो वी नाउ लर्न अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स सो चलिए थ्री डिजिट नंबर्स के सबट्रैक्शन को देख लेते हैं विद द बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्ट्रैक्शन सो देखिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स होता क्या है टू सब्ट्रैक्ट मीन टू टेक अवे फ्रॉम ए ग्रुप और नंबर और थिंग्स यानी कि कुछ अमाउंट को हमें एक ग्रुप में से क्या करना है भाई अलग कर देना है दूर कर देना है कैन से उसको वहां से हटा देना है एंड रिमेनिंग अमाउंट को फाइंड करना ही क्या कहलाता है हमारा सब्ट्रैक्शन कहलाता है सो देखिए फॉर एग्जाम्पल वी हैव फाइव फिंगर्स इन अवर हैंड ओके अब हमने टू फिंगर्स को क्लोज कर लिया सो रिमेनिंग अमाउंट कितना है दैट इज अवर थ्री फिंगर्स ओपन सो यहां पे क्या किया हमने एक पूरे ग्रुप में से सम ऑफ अमाउंट को लेस कर दिया माइनस कर दिया सब कर दिया ऑल आर सेम, सो पे जो नंबर्स वो हमारा आंसर होगा सो हमें ग्रुप में से कुछ नंबर को कुछ थिंग्स को अलग करना है दूर करना है टैका भी करना है एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे फाइंड कर लेना है और यह सारा प्रोसीजर हमारा कहलाता है सब्ट्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल देखिए वी पेंसिल्स वन टू थ्री फोर इन आवर हैंड कितना है भाई फोर पेंसिल्स हैं अब हमने क्या किया इसमें से वन पेंसिल्स को क्या कर दिया है रिमूव कर दिया अलग कर दिया हमें कैसे पता चला कि हमने उसको अवे किया है दूर किया है बताओ जल्दी से यस विद द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन ये हमारा साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन है और ये हमारा साइन ऑफ एडिशन है वॉट सेज़ साइन ऑफ एडिशन एडिशन साइन सेज इफ यू फाइंड मी बिटवीन टू नंबर्स देन यू ईजिली कॉम्बिनेशन या कम्बाइंड द ओल नंबर टुगेदर दैट सेज Sub addition sign. What is the subtraction sign? Says the subtraction sign says if you find me between two numbers, then easily you can remove the second number from the biggest number, then you find the remaining number as answer. So, subtraction kya kar hai Come kar rahe? डाउन साइड ला रहा है हमारा एडिशन क्या करता है मूव कराता है क्योंकि वो कंबाइंड करता है सो so यहां हम देख पा रहे हैं फोर पेंसिल में से वन पेंसिल को हमने लेस किया है सो so हमारे पास में कितना पेंसिल रिमेन हो गया वन टू थ्री दैट इज आवर आंसर एंड हाउ वी कैन डू द सब्ट्रेक्शन मैनी टाइप्स हमारे पास में है थिंग्स को काउंट करके उनमें से लेस कर सकते हैं हम फिंगर्स ओपन करके क्लॉज कर सकते हैं लाइन ड्रॉ करके उनके कट ऑफ कर सकते हैं एंड हम क्या कर सकते हैं जो हमारी काउंटिंग है या हमारे जो नंबर्स हैं उन पर बैक साइड की मूव कर सकते हैं, सो so, हम क्या कर पाएंगे, सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। अनदर एग्जांपल, वी हैव टॉयटैक्टस वन, टू, थ्री, फोर टॉयटैक्टस, हमारे पास में है हमने उनमें से वन एंड टू को क्या कर दिया भाई, सब्ट्रैक कर दिया उसको, माइनस कर दिया, देन वी फाइंड वन एंड टू एज रिजल्ट दैट इज अवर आंसर सो इन शॉर्ट वी कैन से एक ग्रुप ऑफ नंबर में से ग्रुप ऑफ थिंग्स में से सम ऑफ नंबर्स को सम ऑफ थिंग्स को दूर करना माइनस करना ही क्या कहलाता है सब्ट्रेक्शन कहलाता है वी कॉल दैट इज आवर सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर सो चलिए अब हम इसे न्यूमेरिकल फॉर्म्स में भी देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी देर आर नंबर दीज आर टू डिजिट नंबर्स देर आर मैनी टाइप्स ऑफ वी कैन से सब्ट्रैक्शन लाइक वी विल यूज वन डिजिट

वन्स एंड टेंस हाउसेस क्रिएट कर लिया कर लिया हमने सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वन्स प्लेसेस एट द फर्स्ट नंबर द वैल्यू ऑफ द वन्स प्लेसेस एट द फर्स्ट नंबर इज फाइव एंड वी कैन सी द अनदर नंबर हैव पावर एज वन्स प्लेसेस इज वन सो इजीली वी कैन से हमें फाइव में से वन को लेस करना है सो सिंपल प्रोसीजर वन टू थ्री फोर फाइव वन को लेस किया कट किया रिमेनिंग नंबर वन टू थ्री फोर सो वी कैन इजीली राइट दियर फोर दिस इज द बेसिक टाइप ऑफ सब्टन जो हमारे बेसिक टाइप सब्ट्रक्शन है ना इजी मेथड वाले ये वो है सो फाइव फिंगर ओपन की वन फिंगर क्लॉज की वन टू थ्री फोर रिमेनिंग अमाउंट काउंट किया एंड वी शुड राइट दियर द रिमेनिंग नंबर नाउ टाइम टू चेक द्लेस इज वी है फर्स्ट नंबर एंड वी हैव एज द पावर ऑफ टेंस प्लेसेज इज वन एज अवर अनादर नंबर इन शॉर्ट वी कैन से वी शुड टू सब्ट्रैक्ट वन सो यहाँ पर हमें यह प्रोसीजर फॉलो करना है टू में से वन को लेस किया वन तो हमारा टोटल अमाउंट आंसर कितना रह गया भाई फोर्टीन अगर हम 25 में से 11 को लेस करते हैं देन हमें आंसर मिलता है वो होता है हमारा 14. सो वॉट इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज 36 सिक्स है लेस बाई करना है हमें उसमें से 12 को सो देखिए वी हैव एट द वंस प्लेस इज वैल्यू इन द फर्स्ट नंबर दैट इज सिक्स एंड इन अनदर नंबर यू कैन चेक द वैल्यू ऑफ द वंस प्लेस इज इज टू सो इजिली वी कैन से हमें सिक्स में से टू को क्या करना है भाई लेस करना है सिक्स फिंगर ओपन करी One and two finger claws ki remaining amount one, two, three, four fingers. So easily we can write there four as our result of the subtraction of one's places. What is the values of tens places in all numbers? In the first number, you can see the tens places value is as three, and in another number I can see there are one, stay, and ten places. So easily we can say kya karna hai? three may say one ko less karna. Hai. So we can draw three lines: one, two, three lines, one and two. सॉरी हमें वन क्रॉस करना है कितना लेस करना है वन करना है सो वन क्लोज किया देन वी हैव टू एज रिजल्ट सो इन शॉर्ट वी कैन से इफ वी सब ट्रैक्ट ट्वेल्व फ्रॉम द थर्टी सिक्स देन आवर आंसर गोज एस ट्वेंटी फोर सो दिस वॉज द सिंपल प्रोसीजर सिंपल टाइप ऑफ द सब्ट्रैक्शन जहां हमने टू डिजिट के सब्ट्रेक्शन देखे ये हमने कहाँ किया था हमारी क्लास टू एंड क्लास थ्री में इनको सॉल्व कर लिए था यहां हमने इनका रिविजन किया है तो चलिए एक विलेज की ओर चलते हैं और हमारे सब्ट्रेक्शन प्रोसीजर को और थोड़ा हेवियर uh, करते हैं ना एडवांस मूव कराते हैं सो so ये विलेज है हमारा तरताइव लेस दैट इज तरताइव लेस तरताइव लेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेनी टाइप्स ऑफ पोर्टर जो हमें कहते हैं कि जो मिट्टी के पो, पोर्ट्स बना आते हैं उन पोटर्स की यहाँ पे फैमिलीज हैं सो कौन-कौन की फैमिली है राजू की फैमिली है चेतनस फैमिली एंड शंकरस फैमिली स्टे हियर इन दिस विलेज दे मैड लैंप्स फ्रॉम द सोइल सो वो सोइल से क्या कर रहे हैं लैंप्स बना रहे हैं अब उनके जो लैंप्स का अमाउंट क्रिएट किया गया है वो यहां मेंशन किया गया है राजूस फैमिली क्रिएट 790 आर लैंप्स ओके एंड चेतनस फैमिली क्रिएट 630 लैंप्स एंड शंकरस फैमिली क्रिएट 950 लैंप्स ऑल ओवर ओके सो इतना सारा लैंप्स वो क्रिएट करते हैं सबके अलग अलग अमाउंट है सम ऑफ सेवन नाइन जीरो का अमाउंट हमें पता चल गया और यहाँ आप इमेज भी देख पा रहे हैं तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द बेसिक रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन थ्रू विलेज तरता तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में सारे अमाउंट मैं ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं विच फैमिली मैच मैक्सिमम लैम्स सो मैक्सिम क्या होता है सबसे पहला ये बात पता होनी चाहिए द लार्जर अमाउंट We call that is the biggest amount. Can can कॉल दैट इज दिगेस्ट अमाउंट मैक्सिमम सो मैक्सिम अमाउंट की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेवन हंड्रेड वैल्यूज है एंड नाइन हंड्रेड वैल्यूज है नंबर का तो हमें क्या करना होता है हमें सबसे पहला काउंटिंग देखना होता है कि नंबर की जो डिजिट है वो कैसे हैं? थ्री डिजिट नंबर है कंपेयर को अच्छे से समझना अनदर थ्री डिजिट नंबर है ओके एंड लास्ट भी कैसा है थ्री डिजिट नंबर है सो हम डिजिट से कंपेयर कर चुके हैं सारे थ्री डिजिट के नंबर हैं अब हम उनके प्लेस वैल्यूज को देखेंगे सो so, जब सेम डिजिट्स के नंबर हैं तो हम बिगेस्ट प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द बिगेस्ट प्लेस वैल्यू है यहां पे कितना हंड्रेड है सेवन हंड्रेड अनदर में कितना है सिक्स एंड अनदर में कितना है नाइन तो विच इज द लार्जेस्ट अमाउंट नाइन ना सो इजिली वी कैन से विच फैमिली मैड मैक्सिमम लैम्स दैट इज अवर संकर्स फैमिली ओके okay. फैमिली क्लियर हो गया सो कंपेयर ऐसे किया जाता है अच्छा फोर्थ एग्जांपल देखिए जब कंपेयरिज्म की हम बात कर रहे हैं तो हम यहां एक और एग्जांपल देख सकते हैं जैसे हमारे नंबर्स हैं नाइन नाइन सिक्स नाइन नाइन एट नाइन नाइन टू ये थ्री नंबर हमारे पास में है। अब कंपेयर करना है सो so, देखो सबसे पहला रूल क्या करें काउंट द डिजिट ऑफ द गिवन तो गिबर्स टू थ्री टू थ्री एंड ऑल नंबर से कंपेयर करना है इज द बिग्गेस्ट हाउसेज दिग्गेस्ट हाउसेजर इज हंड्रेड हाउसेज सो इजिल हम क्या करने वाले हैं हंड्रेड का कंपेयर करके देखेंगे भाई चलो चेक करते हैं नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड ओवर ऑल इक्वल सारा कैसा आ गया ये तो इक्वल आ गया तो अब हम क्या

Two unit. So easily we can say once किसका है? है, so हमारे 998 का once heavier आ रहा है, बाकी डिजिट सेम थे, तो हमारा ये first position number होगा. बिगेस्ट नंबर ऑफ द गिवन नंबर सो दिस मैथड यूज कैन बी कंपेयर टू द नंबर्स इस मैथड को हम यूज कर सकते हैं नंबर्स को कंपेयर करने में आ गया ना तो रूल क्या कहते हैं जब भी नंबर का कंपेयर करना है सबसे पहले डिजिट काउंट्स करनी है डिजिट सेम है देन हैवियर प्लेसेस से काउंट स्टार्ट करेंगे हैवियर प्लेसेस सेम आ रहा है अनदर प्लेसेस भी मूव करेंगे और जब तक

चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द सीरीज देख लेते हैं तीनों अमाउंट हमें दिए गए हैं क्वेश्चंस क्या किया गया है राजू वांट्स दैट हिज फैमिली शुड आल्सो मैक हिज मैन लैंप एज शंकर्स फैमिली मैक्स देन हाउ मेनी लैंप्स राजू हैज टू मैक मोर इट मीन्स राजू ने ये कहा कि भाई शंकर की फैमिली जितना बना रही है ना उतना ही लैब हमारी फैमिली को भी बनाना चाहिए तो क्या आप हेल्प कर सकते हैं उसकी ये फाइंड करने के लिए कि हाउ मैनी लैब्स राजू हैज टू मैक मोर यानी जितना अमाउंट वो क्रिएट कर रहा है ना अब उससे उसे और कितना अमाउंट क्रिएट करना होगा मोर सो यहाँ पे इजीली हम ये फाइंड कर पाएंगे चलो इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर आपको ये और इजी समझ आएगा देखिए मेरे पास है टेन रुपीज़ ओके दिस इज़ आई और आपके पास में हैं फिफ्टीन रुपीज़ और ज्यादा करें या फिफ्टीन इनफ है चलो फिफ्टीन इनफ कर लेते हैं है ना ये हम दोनों हैं मैं और आप यहाँ पे आई एंड यू की जब हम बात कर रहे हैं तो टेन एंड फिफ्टीन का हमारे पास में रेशियो आ गया मेरे पास है टेन रुपीज़ आपके पास है फिफ्टीन रुपीज़ अब मुझे क्या आइडिया आया कि मेरा अमाउंट आपके अमाउंट जितना होना चाहिए क्या कितना होना चाहिए आपके अमाउंट जितना होना चाहिए सो मुझे कितना अमाउंट नीड पड़ेगा हो जाएगा. ऐसी बात है क्लियर हो गया चलो मैंने कैसे पता किया कि मुझे फाइव रुपीज चाहिए हमने डिफरेंस चेक किया ना एंड वॉट इज द डिफ्रेंस डिफरेंस इज द आंसर ऑफ सब्ट ऑफ टू नंबर्स टू नंबर्स का जो डिफ आंसर होगा डिफरेंस होगा माइनस होगा सब्टन होगा वही हमारा डिफरेंस निकल करके आता है सो so यहाँ हमने कैसे फाइंड किया 15 में से हमने 10 को लेस कर दिया सो हमारा रिमेनिंग अमाउंट आ गया 5, 5 वो वैल्यू है जो कम पड़ रही है मेरे पास आपके इक्वल होने के लिए चलिए अब मूव कर जाइए अपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन कह रहा है कि राजू कुछ राजू की फैमिली लैम्प बना रही है बट उसका आइडिया ये है कि अब उसे शंकर की फैमिली जितना लैम्प बनाना है सो उसे कितना लैंप और क्रिएट करना होगा सो so, इजीली है हम दोनों का क्या कर लेंगे डिफरेंस फाइंड कर लेंगे सो so, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात कर रहे हैं शंकर की तो वो बना रहा है नाइन आप फिफ्टी नाइन फिफ्टी लैम्प्स क्रिएट किया जा रहा है ना वहाँ पे चलिए सो so, यहाँ हम लिख पाएंगे नाइन फिफ्टी लेस इसमें से करेंगे हम जो राजू क्रिएट कर रहा है ओके okay. अब हम इसे क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो देखो डियर स्टूडेंट दिस इज आवर थ्री डिजिट सब्ट्रैक्शन और थ्री डिजिट सब्ट्रैक्शन में भी ये हमारा कैसा सब्ट्रेक्शन होने वाला है यहाँ हमें कैरी ओवर की नीड पड़ने वाली है तो चलिए से स्टेट स्टार्ट कर लेते हैं देखो सबसे पहले अगर हम वंस प्लेसेस की बात करें तो द द प्लेसेस आर सेम इन बोथ नंबर सो इजीली वी कैन फाइंड एज आंसर इजीली जीरो में से हमें जीरो को लेस करना है वी हैव नथिंग वी स्टैंड नथिंग सो वी हैव एज रिजल्ट नथिंग 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 आल्सो एंड व्हाट इज द मीन्स जीरो इन आवर मैथेमेटिक्स अगर हमारे पास कुछ नहीं है इट मीन्स वी हैव जीरो इन मैथेमेटिक्स ओके अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेंस प्लेसिज वॉट इज द वेल्यूज ऑफ टेंस प्लेसेज इन बोथ नंबर

जो हमारे सबसे नजदीक होता है हमारे रिलेटिव होते हैं उनके पास में सो so यहाँ क्या किया टेंस प्लेस मूव करता है हंड्रेड प्लेसिस हंड्रेड प्लेस इज आई एम नाइन हंड्रेड मैं कितना हंड्रेड हूं नाइन हंड्रेड अब नाइन हंड्रेड कहता है भाई मैं आपको वन हंड्रेड दे सकता हूँ क्योंकि मेरा पावर हंड्रेड का है सो नाइन हंड्रेड ने क्या किया डियर स्टूडेंट्स वन हंड्रेड इनको गिव कर दिया वन हंड्रेड मीन्स हाउ मैनी टेंस देर आर टेन टेंस कितना हंड्रेड का मतलब क्या है टेन टेंस हैलरेडी हैड सो टोटल अमाउंट गोज एज फिफ्टीन टेंस इन आवर हैंड नाउ अब हमारे पास में जो अमाउंट हो गया है कंबाइंडली वो हो गया है फिफ्टीन इज दिस क्लियर यस इजीली क्लियर हो गया ना ये हमारे पास में अब 15 का अमाउंट हो गया नॉट इज 5 नॉट इज 10 वी हैव 15 अब 15 में से हमें 9 को लेस करना है सो so 6 10 इज अवर रिमेनिंग अमाउंट क्लियर हो गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 100 प्लेसेस और एट द फर्स्ट नंबर कैन यू टेल मी दैट इज आवर एट सो एट में से हमें सेवन को लेस करना है तो वैल्यू रहेगी हमारे पास में वन हंड्रेड सो वी कैन से राजू इफ यू वॉन्ट टू कंपेयर विद द विद्कर फैमिली सो यू शुड मेक वन हंड्रेड सिक्सटी लैम्स मोर टू इक्वलिटी के लिए है ना हमें यह समझ में आ गया कि अब हमें कैसे फाइंड करना है कि किसी भी दो डिफरेंस डिफरेंट नंबर्स के डिफरेंस को कैसे फाइंड किया जाता है बिगेस्ट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर को हमें लेस करना है अगर हमारा प्रोसीजर बेसिकली हो रहा है सो हमें बो, बोरो की नीड नहीं होती और अगर हमारा प्रोसीजर बेसिकली नहीं हो पा रहा तो हम नेबर से बोरो करके आंसर फाइंड कर सकते हैं सो डियर स्टूडेंट दिस वॉज अवर पार्ट वन देर वी विल लर्न अबाउट द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा सो कीप वॉचिंग कीप लर्निंग सी यू सोन इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू